एग्जाम वीडियो के लिए इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त करने के लिए बेल के निशान को दबाएं। नमस्कार साथियों, आज हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। कोपेन जो कि जर्मनी के रहने वाले थे और यह एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया था। उसी जलवायु में महत्वपूर्ण भारत की जलवायु का वर्गीकरण भी आता है। इस जलवायु वर्गीकरण को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो कोपेन ने प्रतीक काम में लिए थे वो हमें देखने होंगे। जैसे उसने जो जलवायु वर्गीकरण है, उन्होंने जलवायु वर्गीकरण करने के लिए अंग्रेजी के कुछ अक्षर काम में लिए थे, जैसे ए बी सी डी ई। इन पांच अक्षरों पर उन्होंने पूरे विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया था। उनके उपविभाग भी किए थे, जैसे सबसे पहले आता है ए। ए का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। यह जलवायु भूमध्य रेखा के करीब होती है और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर ध्रुव की ओर जाते जाते हैं वैसे वैसे जलवायु परिवर्तित होती जाती है। यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु जो कि भूमध्य रेखा के करीब है, ऐसे जलवायु प्रदेश है जहां पर आर्द्रता भी ज्यादा होती है और तापमान भी ज्यादा होता है। दूसरा जो बी है उसको हम कहते हैं शुष्क जलवायु। जो शुष्क जलवायु है वो ऐसे जलवायु के अंतर्गत आती है जहां पर वर्षा की तुलना में जो है वाष्पीकरण ज्यादा होता है, यानी यहाँ पर शुष्कता है वो काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तीसरा जो है उसे गर्म जलवायु अथवा कोष्म जलवायु कहते हैं। गर्म जलवायु या फिर कोष्म के नाम से इनको जाना जाता है, यानी कोष्म जलवायु प्रदेश भी इसको कहते हैं। यहाँ की जो जलवायु है लगभग जो है मौसमी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा ऋतु में और वर्षा होती है, सर्दियों में सर्दी पड़ती है, गर्मियों में गर्मी पड़ती है। डी आता है उसे हम कहते हैं हिम जलवायु या फिर शीत जलवायु। यह ऐसा जलवायु प्रदेश होता है जहां पर यह स्थिति होती है कि तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाता। तो ऐसे ठंडे महीने का जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं आता, उसे हिम जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है। पांचवा जो है वो है ई, यानी कि हम इसे कहते हैं ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। यानी ऐसी जलवायु है वो ध्रुव के निकट पाई जाती है, इसीलिए इसे ध्रुवीय कहते हैं। ये जलवायु ऐसी जलवायु वाले क्षेत्र में होती है जहां पर बर्फ जमी रहती है। यानी कि कोपेन ने ए उष्णकटिबंधीय जलवायु, बी शुष्क जलवायु, सी गर्म जलवायु अथवा कोष्ण, डी हिम जलवायु अथवा शीत जलवायु और ई ध्रुवीय जलवायु। इन आधारों पर पूरे विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया है। इसी आधार पर भारत की जलवायु का वर्गीकरण भी कोपेन ने किया है जो कि इन्हीं अक्षरों पे डिपेंड है। इसके अलावा जो शुष्क जलवायु है उस जलवायु को उन्होंने फिर से दो भागों में बांटा है, जैसे कैपिटल W, इसका मतलब होता है मरुस्थलीय जलवायु। यानी ऐसी जो जलवायु है वो मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है, उसे मरुस्थलीय जलवायु कहा जाता है। जबकि अर्ध मरुस्थलीय जलवायु को उन्होंने कैपिटल S का नाम है वो दिया है, इसे कहते हैं अर्ध मरुस्थलीय जलवायु। इसके अतिरिक्त, इन प्रतीकों के अतिरिक्त कुछ छोटे अक्षरों का भी उपयोग किया है। यानी ये कैपिटल है स्मॉल ABCD का उपयोग भी उन्होंने किया है, जैसे उन्होंने किया है स्मॉल डब्ल्यू का उपयोग उन्होंने किया है ऐसे क्षेत्र जहां पर सारी वर्षा है वो गर्मियों में होती है, सर्दियां शुष्क होती है, तो इसलिए उसे शीत शुष्क ऋतु के नाम से जाना जाता है। यानी सर्दियों में जो है वो शुष्कता पाई जाती है, जबकि जो है स्मॉल S का उपयोग किया उन्होंने ग्रीष्म शुष्क, यानी कि यहाँ पर सारी की सारी जो वर्षा है वो सर्दियों में ही होती है, उसे स्मॉल S से प्रदर्शित किया है। इसके अलावा भारत की जलवायु में उन्होंने G भी उपयोग में लिया है, जिसका मतलब होता है गंगा का मैदान। यानी इससे आप समझ जाओगे कि हाँ कि जी जहाँ पर उपयोग आया है वो गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। इसके अलावा उन्होंने H का उपयोग भी किया है। H का मतलब होता है गर्म प्रदेश, यानी जहां पर गर्मी ज्यादा होती है तो गर्म एवं शुष्क प्रदेशों के लिए H का उपयोग है वो किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने छोटे अक्षरों के रूप में स्मॉल C का उपयोग भी किया है, जो कि गर्म ऐसे प्रदेशों के अंतर्गत आती है जहां पर चार महीनों की जो जलवायु है
वो गर्मी वाली होती है। इस प्रकार इन जलवायु के ऊपर है उन्होंने पूरे जो, हाँ, इसके अलावा एक अक्षर और आता है स्मॉल एफ, जिसको आर्द्र जलवायु के नाम से उन्होंने जाना है। तो ये जो अक्षर है, इन अक्षरों के ऊपर कोपेन ने अपना पूरा जलवायु वर्गीकरण दिया है, यानी ए बी सी डी ई, इनके आधार पर। तो मुख्य जलवायु प्रदेश आते हैं, डब्ल्यू एस बी के उपविभाग हैं, और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एस जी एच सी और एफ, ये सारे स्मॉल हैं, वो जलवायु के वर्गीकरण के अंतर्गत काम में आते हैं। तो इन आधारों पर कोपेन ने अपनी जलवायु का वर्गीकरण किया है। यदि आपको ये याद हो जाते हैं तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण याद रखना काफी सरल होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के किन हिस्सों की जलवायु को कोपेन ने किस प्रकार वर्गीकृत किया है, इसे हम भारत के मानचित्र द्वारा आसानी से समझ पाएंगे। जैसे इसके अंतर्गत जो भारत की जलवायु वर्गीकरण किया है, यानी कि ए, जैसे कि मैंने आपको ए बताया था भूमध्य रेखा की तरफ, तो भारत के सबसे दक्षिणतम हिस्से, याद रखिएगा, यदि ए आता है तो आप ये तो छोड़ ही देना कि ऊपर की तरफ तो ए आएगा ही नहीं, ए आएगा सबसे दक्षिणी हिस्से में। तो सबसे पहला जो जलवायु वर्गीकरण किया है उन्होंने किया है ए के आधार पर। ए के आधार पर भारत में दो जलवायु प्रदेश, तीन जलवायु प्रदेश रखे हैं। एक रखा है ए एम डब्ल्यू, दूसरा रखा है ए एस, और एक रखा है ए डब्ल्यू। ये तीन जो है वो प्रदेश बताए हैं। सबसे पहले आता है ए एम डब्ल्यू, यानी लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रदेश, जहां पर मानसून सबसे पहले आता है। ये गोवा के तटीय प्रदेश से लेकर केरल के तटीय प्रदेश तक जो जलवायु प्रदेश है उसको ए एम डब्ल्यू कहा है। ए एम डब्ल्यू का मतलब है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रदेश, यानी गोवा कर्नाटक और केरल इसके अंतर्गत शामिल है। इसे लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रदेश कहा जाता है, यानी यहाँ पर जो शुष्क ऋतु है वो काफी छोटी होती है, क्योंकि यहाँ पर 1 जून को ही मानसून प्रवेश कर जाता है और लास्ट तक जब तक मानसून चलता रहता है तब तक यहाँ पर बरसात होती रहती है। इसलिए इसको ए एम डब्ल्यू वाले प्रदेश में किया। तो ए एम डब्ल्यू वाला प्रदेश है वो आता है दो, गोवा का दक्षिणी भाग, कर्नाटक का तटीय भाग और केरल का भाग, यानी पश्चिमी तट के ये हिस्से हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा उसने जो जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किया है ए एम डब्ल्यू के अतिरिक्त, वो आता है ए एस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एस का मतलब होता है ग्रीष्म शुष्क, यानी ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और सारी वर्षा है वो सर्दियों में होती है। तो हमने जो है पिछले वर्गीकरण में, यानी कि जलवायु पढ़ा था, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस जलवायु प्रदेश में हमने ये पढ़ा था कि भारत में जो है तमिलनाडु ऐसा स्थान है जहां पर सारी की सारी वर्षा सर्दियों में होती है, यानी कोरोमंडल तट। तो एस एस से समझ जाना कि कोरोमंडल तट है जहां पर सारी वर्षा कब होती है, सर्दियों में होती है। तो एस यानी कोरोमंडल तट है वो एस प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसे कहते हैं शुष्क गर्मी की अवधि होती है और सारी की सारी वर्षा है वो सर्दियों में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसमें कोरोमंडल का भाग ही शामिल है। फिर आता है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु, यानी सवाना प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि सवाना उन प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं जो कि उष्णकटिबंध के समीप होते हैं और सारी की सारी वर्षा है वो गर्मियों में होती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से, तो इस कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो हिस्सा है, इन हिस्सों को छोड़कर एक छोटा सा हिस्सा ये भी छोड़ दिया जाता है, बाकी सारा हिस्सा है वो ए डब्ल्यू जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसे हम सवाना प्रकार की जलवायु कहते हैं। यानी कर्क रेखा के दक्षिण वाला हिस्सा है वो सवाना प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, ए डब्ल्यू है वो कर्क रेखा के दक्षिणी भाग है, जिसमें कुछ हिस्सों को छोड़कर ए डब्ल्यू के अंतर्गत आता है। फिर आती है इसके अंतर्गत, ए के अंतर्गत उन्होंने तीन है वो काम में लिए हैं। इसके अलावा बी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत भारत के जो हिस्से हैं उनको 2 भागों में बांटा है। एक तो आता है बी एस एच डब्ल्यू,
और एक आता है BWHW। तो साथियों BWHW बी का मतलब होता है शुष्क जलवायु और जो W है इसका मतलब होता है मरुस्थलीय। तो आपको ज्ञात ही है कि सबसे ज्यादा मरुस्थलीय है वो पश्चिमी राजस्थान में है, यानी कि ये जो हिस्सा है पश्चिमी राजस्थान का उसको BWHW वाले जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा है। यानी BWHWI तो झट से आपको याद आ जाना चाहिए कि ये पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है। इस जलवायु को हम कहते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में। इसके अतिरिक्त उन्होंने दूसरा जो लिया था BSHW, तो BSHW का जो हिस्सा है वो इसके समीपस्थ यानी पूर्वी राजस्थान का कुछ हिस्सा, पंजाब का कुछ हिस्सा और गुजरात का कुछ हिस्सा BSHW में आता है। इसके अलावा दक्षिणी जो भारत है उसके अंतर्गत भी BSHW कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा शामिल है। तो याद रखिएगा सभी हिस्से साथ में जुड़े हुए हैं, सिर्फ BSHW यानी कि जिसे हम कहते हैं अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। हाँ, एस का मतलब क्या होता है? अर्ध शुष्क। तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है वो एक तो राजस्थान के पूर्वी हिस्से में, पंजाब और गुजरात का उत्तरी हिस्सा और साथ ही साथ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। ये बांटे थे उन्होंने बी में। सी के अंतर्गत उन्होंने रखा था एक हिस्सा रखा था CWG। जी हाँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि बताया था मैंने जी का मतलब होता है गंगा का मैदान। तो ये बचता है अपने गंगा का मैदान। तो जो ये हिस्सा है गंगा के मैदान वाला हिस्सा, ये सारा का सारा जो है वो CWG में आता है। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से को छोड़ दीजिए और जो है जम्मू कश्मीर उस हिस्से को छोड़ दीजिए, बाकी उत्तरी जो प्रदेश का आता है हिस्सा वो CWG यानी गंगा का मैदान है, उसे CWG के अंतर्गत रखा गया है, जिसका अर्थ होता है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रदेश। यानी शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रदेश है वो गंगा का मैदान है। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रदेश ये गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। तो सी के अंतर्गत उन्होंने एक ही क्षेत्र लिया है। फिर आता है डी। डी में उन्होंने लिया है DFC। जी हाँ, DFC का मतलब होता है लघु ग्रीष्म ऋतु के साथ शीत आद्र वाली जलवायु। यानी लघु ग्रीष्म ऋतु होती है और शीत की आद्रता, यानी कि सिर्फ 4 महीने ही ऐसे होते हैं जैसा कि सी है जहां पर गर्मी पड़ती है, बाकी सारे ठंडे प्रदेश होते हैं। तो उन्होंने इस प्रदेश में शामिल किया है अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को DFC के अंतर्गत। लास्ट बचता है ई, ध्रुवीय। तो आप समझ ही गए होंगे बर्फीले जलवायु भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंतर्गत शामिल है, तो ई प्रदेश यहाँ का आ जाएगा। तो ई प्रदेश को सिर्फ ई नाम से ही लिया है इन्होंने, जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है वहां पर बर्फीला इलाका है, इसलिए इस प्रकार उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया। तो फिर से देखिए जो कोपेन है उन्होंने भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? एक बांटा है AMW, यानी उसने कटिबंधीय, यानी वह क्षेत्र जहां पर लघु शुष्क ऋतु होती है, मानसूनी प्रदेश, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रदेश, इसके अंतर्गत उन्होंने जो गोवा के पश्चिमी तट से लेकर और दक्षिणी कन्याकुमारी तक के हिस्से को शामिल किया है। दूसरा AS, जिसमें उन्होंने लिया है तमिलनाडु का कोरोमंडल। तीसरा है AW, जिसमें उन्होंने लिया है जो आर्द्रता वाला, यानी कि वो प्रदेश जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में है। चौथा उन्होंने लिया है BWHW, यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश। फिर लिया है BSHW, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर उन्होंने शामिल किया है CWG, यानी कि गंगा का मैदान। और फिर उन्होंने शामिल किया है DFC, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है जिसे हम लघु ग्रीष्म के साथ शीतल आद्र शीत वाली जलवायु जिसे कहते हैं DFC, और जम्मू कश्मीर के जो बर्फीले क्षेत्र है उसको शामिल किया उन्होंने ई में। तो इन अक्षरों के माध्यम से और इस प्रकार के जो जलवायु वर्गीकरण के माध्यम से आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं कि कोपेन ने किस प्रकार जलवायु का वर्गीकरण किया है। अब परीक्षा में क्या पूछा जाता है? सिर्फ ये पूछा जाता है कि ये कौन सा जलवायु जो क्षेत्र है या प्रदेश है, जिसमें आपको सिर्फ नाम दे दिए जाएंगे, क्षेत्र दे दिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा
और खालिस्तान का नाम पूछा जाएगा। तो यदि आपको ए पूछा जाए तो ध्यान रख लीजिए ए दक्षिण में ही आएगा। ए की सीधी सी ट्रिक है, सबसे पहले मानसून आता है कहां पर, जून में। जून में कहां, केरल के तट के प्रदेश, तो ये AMW हो जाएगा। AS का मतलब सिर्फ सर्दियों में वर्षा होती है, तो तमिलनाडु आ जाएगा। फिर बी वाले प्रदेश है तो वो राजस्थान के अंतर्गत, शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। ई वाला तो आपको हमेशा आसानी से ध्यान आ जाएगा कि ई वाला ये प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेश। और डी वाला अरुणाचल प्रदेश का है। CWG गंगा का मैदान आ ही जाएगा, जिस मैदानी भाग के बारे में आप जानते हैं। तो ये है कोपेन द्वारा किया गया जलवायु का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।